नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल आप लोगों को। मैंने इस जो लाइव है उसके ऊपर जो मैंने शीर्षक में जो लिखा हुआ है सब्जेक्ट, वो आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए पहले। और ये 12 मिनट का ऑडियो है, इसको सुनने की जहमत उठाएं जरा शांति से, जल्दीबाजी से कमेंट ना करें। अगर एक बार ही समझ में नहीं आएगा तो रिकॉर्डिंग यहीं रहेगी, रिकॉर्डिंग दोबारा सुन लें। हाय मानशु भाई, हाय रविंदर भाई, मनजीत पाल सिंह जी, नमस्कार आपको। चलिए, नमस्कार सभी दोस्तों को, सभी भाइयों को। मेरे पर्सनल पेज पे फेसबुक पे स्वागत है एक बार आप सभी लोगों का। शॉर्ट नोटिस पे लाइव कर रहा हूँ, जैसे डिस्क्रिप्शन में लिखा है। 2 दिन से ये कंट्रोवर्सी चल रही है जब से अर्णब गोस्वामी ने अपने कारनामे किए हैं। कारनामे तो वो कर ही रहे हैं, 4-5 साल से पागल हुए हैं पूरी तरीके से, तो कुछ नया नहीं है। ही इज़ डन नथिंग न्यू, ये तो वो करते आया है। कोई पहली बार थोड़ी ना सोनिया जी को इंसल्ट किया है, वो तो नेशनल टेलीविज़न पे आए दिन सोनिया जी को इंसल्ट करता है, गांधी परिवार को इंसल्ट करता है, उसका पेशा बना हुआ है। इट सीम्स दैट हिज अर्निंग्स, हिज टीआरपी, रिपब्लिक चैनल, this Republic World runs on the insults that he throws at the Gandhi family. So it's pretty sad, but it's not new. It's not shocking either, because coming from Arnab Goswami, nothing is a shock anymore. So, anyways, मैंने कहा कि मैं भी जरा इसके बारे में लाइव करूँ, and let me just share my thoughts on what I think without any bias, as I never tend to have any. So. देखिए, ऐसा है, पहले तो शुरुआत करते हैं जो अर्णब ने किया। लेट्स स्टार्ट विद दैट, जो अर्णब ने 2 दिन पहले किया कि नेशनल टेलीविज़न पे सोनिया जी, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, रॉबर्ट वाड्रा, इन सब की बेइज्जती करी। और सोनिया जी को जिस तरीके से ही वॉज रेफरिंग टू हर, जैसे कभी कभी सुब्रमण्यम स्वामी इस तरीके की बदतमीज़ी करते हैं, तो वो इट वॉज़ वेरी अनकॉल्ड फॉर। अब ऐसा है कि सुब्रमण्यम स्वामी जब इस किस्म की बदतमीज़ी करते हैं तो सुब्रमण्यम स्वामी तो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में करते हैं, लेकिन अर्णब गोस्वामी इज़ अ चैनल हेड, ही इज़ रनिंग अ चैनल ऑन नेशनल टेलीविज़न, एंड देन फॉर हिम टू डू दिस काइंड ऑफ बदतमीज़ी ऑब्वियसली इज़ नॉट वारंटेड। लेकिन अब ये दिस इज़ द न्यू लॉ, जो इंडियन मीडिया है, जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है, दिस इज़ द न्यू लॉ एंड द स्टैंडर्ड्स दैट इट हैज़ सेट। आप मेन स्ट्रीम मीडिया में देख लीजिए, चिल्लाना, हल्ला गुल्ला, पर्सनल अटैक्स, इस किस्म का डिफेमेटरी स्कैंडलस एलिगेशंस करना, यही तो इट इज़ द न्यू नॉर्म। ये एक्सेप्शन थोड़ी ना, यही तो न्यू नॉर्म है। और इसी बेसिस पे टीआरपी मिलती है और ये लोग करते रहते हैं। और पिछले 6 साल से, जब से ये भाजपा की सरकार आई है, इन लोगों को खुली छूट मिली हुई है कि डेली जो है गालियाँ दो गांधी परिवार को, डेली गालियाँ दो कांग्रेस वालों को, एंड यू इट्स अ फ्री हैंड दीज पीपल हैव गॉट। अच्छा, पते की बात यह है कि कभी गूगल करिएगा आप और बस इतना लिखिएगा, नेट वर्थ ऑफ अर्णब गोस्वामी। तो जब आप गूगल करेंगे और लिखेंगे नेट वर्थ ऑफ अर्णब गोस्वामी, तो उसमें नेट वर्थ आएगी 383 करोड़ रुपये की। हाँ, 383 करोड़ रुपए की नेटवर्थ आएगी अर्णब गोस्वामी के। अर्णब गोस्वामी के जर्नलिस्टिक करियर में उसका टोटल एक्सपीरियंस करीब 22 साल का है, जितना मुझे पता है। हाँ, तो मैं मतलब 383 करोड़, इट्स अ लॉट ऑफ मनी, इट्स अ लॉट ऑफ मनी। और इतनी अगर नेटवर्थ आ रही है ऑफिशियली, तो सही मायने में तो ये आदमी 1000 करोड़ का लगता है। तो आई डोंट नो वेयर ही इज़ अर्नड ऑल दिस मनी फ्रॉम। आई मीन देयर आर अदर जर्नलिस्ट्स एज वेल who are known to me, but they don't make this kind of money. Who makes this kind of money? और हिंदुस्तान में पिछले 6 साल में तो जब सारा बेड़ा गर्क है, पूरी इकोनॉमी डाउन है, सारे इंडस्ट्रियलिस्ट डाउन है, सारी इंडस्ट्री डाउन है, फैक्ट्रियों में ताला लगा हुआ है, तो लगता है कि ये आदमी, तो लगता है कि ये गांधी परिवार को गाली गलौज करके ही इसको पैसा मिलता है। पर गाली इसको 1 करोड़ रुपये लगता है, मिलते हैं। That's how he's made all his money. Anyways, having said this, bottom line is कि for a channel head or for an anchor, which he is both of them, to be publicly insulting somebody who's the Congress president, who's the wife of former Prime Minister of India, late Rajiv Gandhi ji, who's highly respected. Even I have the greatest of respect for him. For somebody and publicly insulting every day, not just her, the family, the whole family. ये आदमी सोनिया गांधी जी को इंसल्ट करता है, प्रियंका गांधी जी को इंसल्ट करता है, राहुल गांधी जी को इंसल्ट करता है, रॉबर्ट वाड्रा को इंसल्ट, पूरे गांधी परिवार को इंसल्ट करता है. तो ये गलत है and he has no business of doing it. Now as a channel head, as an anchor, if he does it, and which he has done it this time, 2 दिन पहले जो किया है, वो obviously defamatory है. तो defamatory है तो FIRs तो होंगी और होनी चाहिए. और FIRs अब कहा जा रहा है जितने कांग्रेस रन स्टेट्स हैं वहाँ तो हो ही रही हैं. मैं तो कहता हूँ FIRs पूरे हिंदुस्तान भर में होनी चाहिए. लेकिन ये FIR के मामले आया तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इसमें देखिए, इंसल्ट उसने सोनिया गांधी को किया है, गांधी परिवार को किया है. तो मेरा एक सजेशन बस है राहुल गांधी जी को और प्रियंका गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को भी मेरा सजेशन है कि पहली बात तो आप लोग FIRs कुछ कराइए दिल्ली से बैठ के, पर्सनली अपने नाम पे भी. हाँ, यू शुड फाइल इट इन योर नेम बिकॉज ही इज इंसल्टिंग यू. सो वाई आर योर कार्यकर्ताज और यूथ कांग्रेस पीपल डूइंग इट? यू शुड बी डूइंग इट. आप फाइल कराइए, आप फाइल करिए FIR अपने नाम पे. दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट आई सजेस्ट. द सेकंड थिंग दैट आई सजेस्ट इज डू नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू एन FIR बिकॉज देखिए ऐसे मामलों में आप FIR में जितने सेक्शंस लगा दें, बॉटम लाइन इज दिस इज अ मैटर ऑफ सिविल नेचर. तो FIR तो खैर चलिए फिर भी हो जाएगी, उसमें आप कह देंगे कि वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो रही थी, भड़काने की बात है इसलिए, तो FIR तो हो जाएगी, केस तो हो जाएगा. बट ऐसे केसेस में लेट अस बी वेरी क्लियर. जैसे कुछ मेरे लॉ स्टूडेंट्स हैं, कुछ यंग लॉयर्स हैं, बच्चे, दे आर राइटिंग टू मी कंटेंट्स ऑफ FIR देख के, वो कह रहे हैं सर लेकिन ये होल्ड नहीं करेगा, जेल नहीं होगी. तो मैं इतना बताना चाहता हूँ कि ऐसे मैटर्स में कौन सा, आई मीन, आर यू रियली रियलिस्टिकली एक्सपेक्टिंग समबडी लाइक अर्नब गोस्वामी टू गेट जेल्ड फॉर these FIRs? Obviously not. Of course he will not get jailed. Of course he will not get jailed. Let us be very clear about it. Don't live in la la land, in a dreamland. इन FIRs का मतलब बस प्रेशर का होता है. प्रेशर होगा, तंग होगा, परेशान होगा, कोर्ट की डेटें होंगी वगैरह वगैरह. ये नहीं सोचिए कि ये आदमी FIR के चक्कर में प्रोसिक्यूट हो जाएगा, जेल चले जाएगा, इसको कन्विक्शन हो जाएगी. Of course not. Of course that will not happen. But here's why now I am suggesting something more for the Gandhi family to do, which is my suggestion is to आप लोग टैग कर दीजिएगा राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी एंड सोनिया गांधी जी. Here's what they should do and here's my suggestion free of cost, जो कि अभिषेक मनु सिंघवी जी और बड़े काबिल वकील हैं, मेरे सीनियर भी हैं सर, और कपिल सिब्बल जी मेरे काबिल वकील हैं, मेरे सीनियर भी हैं. इनको ऑलरेडी सजेस्ट कर दिया होगा आई एम श्योर इन्होंने. अगर नहीं किया है तो मैं सजेस्ट कर दूं, आई एम श्योर ये लोग भी सजेस्ट करेंगे. माय सजेशन इज़ दैट प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी एंड सोनिया गांधी जी should be filing a civil suit of defamation against Arnab Goswami and Republic World, that is his channel. Arnab Goswami की पर्सनल वर्थ 383 करोड़ की है, रिपब्लिक चैनल 1000 करोड़ रुपए का है. इनके खिलाफ ये लोग डाल दें 500-500 करोड़ के लॉसूट, 3 लॉसूट 1500 करोड़ रुपए के ये लोग डाल दें डिफेमेशन का, सिंपल डिफेमेशन का. लेट्स स्लैप देम फर्स्ट, लेट्स स्लैप अर्नब गोस्वामी एंड रिपब्लिक वर्ल्ड विथ लीगल नोटिसेस फॉर 1500 करोड़ वर्थ ऑफ डिफेमेशन ऑन दी गांधी फैमिली. हाँ बिल्कुल बनता है, वाजिब है. एंड देन एक्चुअली फाइल द केस इन दी हाई कोर्ट, फाइल दिस केस इन दी दिल्ली हाई कोर्ट. फाइल इट इन दी दिल्ली हाई कोर्ट और इन दी बॉम्बे हाई कोर्ट. डू दैट. 1500 करोड़ रुपए का सूट फाइल करिए. फिर हमारे मित्र हैं, कोई स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेट करके कह रहा था 65. हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं. माफ़ी चाहता हूं दोस्तों, ये पार्ट 2 है. पार्ट 1 फिर वो कुछ रुकावट के लिए खेद हो गया, कुछ आई डोंट नो, द कनेक्शन जस्ट ड्रॉप्ड. तो एंड यू नो आई वाज सजेस्टेड कि मूव टू अनदर प्लेस. तो मैं अभी बाहर आ गया हूँ, डाइनिंग हॉल में आ गया हूँ. तो मैं क्या कह रहा था, मैं यही कह रहा था, वो FIRs की बात मैंने कर ली, मैंने एड्रेस कर लिया. अब मैं बात कर रहा था सिविल सूट्स की. तो मेरा यही सजेशन है कि गांधी फैमिली को, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, दे शुड फाइल अ सिविल सूट ऑफ डिफेमेशन अगेंस्ट अर्नब गोस्वामी एंड रिपब्लिक वर्ल्ड और 1500 करोड़ रुपए का 500 करोड़ रुपए का सूद डाले। और इसमें कुछ लोगों ने, मेरे अच्छे मित्र हैं, जिन्होंने कहा कोर्ट फ़ी और वो स्टैम्प फ़ी की बात। देखिए ऐसा है कि कोर्ट फ़ी में भी लिमिट होती है, 3% होता है और फिर वो 1 करोड़ के बाद और फिर 5 करोड़ के बाद, ऐसे करके फिर लिमिट्स। ऐसा नहीं है कि 1500 करोड़ का सूद डालेंगे तो 1500 करोड़ के पूरे 3% डालेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो इसमें कोर्ट फ़ी ज़्यादा से ज़्यादा, जितना मुझे पता है, इट विल नॉट कॉस्ट मोर देन 3 करोड़, इनफैक्ट इवन लेसर, इवन इफ़ यू फाइल अ सूट वर्थ 1500 करोड़। तो ऐसा नहीं है, तो दे शुड फाइल। एंड इन एनी केस गांधी फैमिली के पास कोई पैसे की कमी थोड़ी ना है भाई, तो डालें। तो माई सजेशन इज दे शुड फाइल अ सिविल सूट। दिस सिविल सूट इज समथिंग विच विल बी स्ट्रांग एंड इट विल होल्ड, नॉट किडिंग। एफआईआर और ये सब जो क्रिमिनल साइड है, ये मैंने जैसे आपको बता दिया, ये सब प्रेशर बिल्डअप होता है। ये एफआईआर से अगर आप सोच रहे हैं कि इवेंचुअली अर्णब गोस्वामी प्रोसिक्यूट हो जाएंगे, जेल चले जाएंगे, कन्विक्ट हो जाएंगे, ऑफकोर्स नॉट। In India, it has never happened. In India, it will not happen for the next 20 years until I become the Prime Minister, and that will take around 20 years, maybe, if not lesser, right? So that is not going to happen. You can file 5,000 FIRs against him. That will not happen. FIRs only create pressure, all right, and create harassment. These FIRs will not land Arnab Goswami in jail, okay, in a suit, in a matter of this nature, which is primarily of civil nature. The Gandhi family, I am advising, should file a civil suit of defamation. That will hold in the court. In a civil suit of defamation, this guy will be in trouble and money is dear to everybody. Google shows his net worth to be 383 crores. Republic channel, I am sure, must be over 1,000 crores. They should file a suit. And then as simple as that, and then, let it hold in the court or settle, compromise, whatever. Get 500, 800, 1,000 crores from him, okay? That will be an apology from him, so apology and 500 crores. And वो 500 करोड़ रुपए गरीबों में बांट दीजिए आप लोग, गरीबों का भला हो जाएगा, अपने वोटर्स में बांट दीजिएगा। और अर्णब गोस्वामी को हर्ट करेगा वो 500 करोड़, जिसको हर गाली देने के लिए 1 करोड़ रुपया शायद मिलता है, उसको हर्ट करेगा, हाँ। और आगे गाली दे, फिर से सूट फाइल करी। सो दिस हैज़ टू बी डन, दिस इज समथिंग दैट विल होल्ड इन द कोर्ट विदाउट अ डाउट। अ सिविल एंड अ मैटर ऑफ अ ईयर एंड अ हाफ टू 3 इयर्स, दैट्स इट विल होल्ड। और ये करना ज़रूरी है, क्योंकि अभी क्या है कि ऐसा बेंचमार्क सेट हो गया है हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया में कि एनीथिंग गोज़, हर कोई किसी को गाली दे रहा है। आजकल तो न्यूज़ रूम्स में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, हमारी कम्युनिटी से भी, वकील कम्युनिटी से भी लोग जो हैं, हाथापाई पे आ जाते हैं, गाली गलौज पे, मार पिटाई करते हैं। आई मीन दीज मेन स्ट्रीम स्टूडियो टॉक्स एंड डिबेट्स एंड डिस्कशंस हैव हिट अ न्यू लो, और ये एक अर्णब गोस्वामी एक और लो लेके गए हैं। तो ये करें, द गांधी फैमिली शुड डू इट। सो दैट्स माई एडवाइस। दिस थर्ड थिंग दैट आई वॉन्ट टू सजेस्ट, जो कि मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, बड़े भाई हैं अभी भाई, उन्होंने भी आज सजेस्ट किया है अपनी वीडियो में, लाइव में, और मैं भी सजेस्ट कर रहा हूँ। ये मेरा मैसेज राहुल गांधी जी के लिए है। अगर वो सुन रहे हैं या मेरी आवाज़, मेरा वीडियो उन तक पहुँचे, तो मेरा बस यही सजेशन है दैट लुक फॉर राहुल गांधी जी, दिस हैज़ टू बी पर्सनल। आई मीन दिस मैन इज़ अटैकिंग योर मदर, सोनिया गांधी जी इज़ योर मदर, so it has to be personal. So now for these Congress karyakartas to be filing cases on your behalf is one thing, but you're a son to Sonia Gandhi ji, so you should take this personally and certainly file not just FIRs but a civil defamation suit against this guy, and make him sell his kidneys and his blood to pay for the lawsuit, as simple as that. क्योंकि देखिए हर कोई चौड़ा होता है, जब इवेंचुअली ये सूट आगे बढ़ेगा, and this will hold in the court, believe me, it will hold in the court. You will have, I am sure, the likes of Kapil Sibal ji and Abhishek Manu Singhvi ji to represent you, and it will hold in the court. It will hold in the court. Arnab will be in trouble. To make him sell his kidneys, make him sell his blood to pay for this lawsuit. That will teach him a lesson, and make him apologize by paying up 500 crores or so, and that money then you can distribute to the poor of this country. राइट, सो यू कैन डू दैट। तो लेकिन यही मैं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जी के लिए मैं पर्सनली कह रहा हूँ कि दिस हैज़ टू बी पर्सनल फॉर हिम। ही नीड्स टू डिफेंड हिज मदर हियर, और जैसे मेरे बड़े भाई अभी भाई ने आज कहा है, मैं भी यही कहूँगा कि राहुल गांधी नीड्स टू डिफेंड हिज मदर हियर, बिकॉज इफ ही इज looking at being a potential prime ministerial candidate of this country, say in 2024 or 2029, then to defend Mother Nation, he needs to first defend his own mother. And India would be looking at how he defends his own mother before he is given an opportunity to, in future, to defend India. Because when you are the prime minister of a country, then you need to defend the country against the likes of the Chinese, right? The likes of the Americans, right? The Pakistanis, right? And right now this is personal, so he needs to defend and fight for his mother, his mother's pride. He needs to do that. And any son would do that. Any son would have to do it. I mean, if this guy, Arnab Goswami, insults my mother and my family nationally on television, A, I would file 100 crore worth lawsuit against him and I will ensure that I win and he will pay. That's one. Second, I will file FIRs. And third, I am saying this on live because I do not, because the rules of national television and that level of responsibility does not come to me as that of a channel head or an anchor. Because my live is being watched by a limited number of people, it's not on national television. So I would go a step further and tell him that if Arnab Goswami insults my mother or my family, I would be in Mumbai and I would beat this guy. Yes, I would beat this guy. I mean, I'm talking fists and punches. I would beat this guy, without a doubt. I would beat this guy, right? Any son would do it. So I'm not advising Rahul Gandhi ji to do that or for any of his karyakartas to do that. But like I said, this is the time for Rahul Gandhi ji to also act as a son and take this seriously. And I think the whole of India will look at his response. Because if you can't fight and defend for your mother, then tomorrow if we give you the role of the Prime Minister and defend our motherland, which is India, how are you going to do that, right? So this is something to think for Mr. Rahul Gandhi. Now moving to the next aspect. The next aspect is कि कल आधी रात में अर्नब गोस्वामी पे 12:30 बजे the allegation is कि 2 यूथ मोटरसाइकिल से आए, अर्नब गोस्वामी की गाड़ी रोकी, अर्नब गोस्वामी 12 बजे रात में अपने स्टूडियो से वापस आ रहे थे अपनी वाइफ के साथ और फिर कुछ इन यूथ ने गाड़ी रोकी और इनके खिड़की पे मारने की कोशिश करी, इनको डराने की कोशिश करी वगैरह वगैरह। वो पूरा वीडियो आप सबने देखा होगा बिकॉज अर्नब गोस्वामी में एक इंग्लिश वर्जन बनाया 1:30 बजे रात में, उसका एक हिंदी वर्जन बनाया एंड देन दैट वीडियो हैज़ गॉन वायरल ऑल ओवर। और आई मस्ट से बड़े ही कामली कंपोज तरीके से अर्नब गोस्वामी ने 5-5, 7-7 मिनट की वीडियोस बनाई लाइव और बड़े अच्छे से, इट्स ऑलमोस्ट लाइक ही वाज रीडिंग अ स्क्रिप्ट। तो मैं खैर एप्रीहेंशन नहीं कास्ट करना चाहता कि ये इंसिडेंट हुआ कि नहीं हुआ, कितना जेन्युइन है, कहानी है कि नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ दीज रूमर्स गोइंग अराउंड, मैं उस पर ज़्यादा नहीं कहना चाहता। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि पहली बात, अगर ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो ये निंदनीय है। पर्सनली जैसे मैंने कहा, एज मच एज आई वुड लाइक टू पर्सनली बीट अर्नब गोस्वामी, बट आई वुड डू दैट ओनली इफ ही इंसल्ट माई फैमिली एंड माई मदर। सो दिस इज समथिंग दैट फॉल्स ऑन राहुल गांधी, नॉट एवरीबडी। कांग्रेस कार्यकर्ता हैज नो बिजनेस टू गो एंड बीट हिम अप और स्केयर हिम, दैट टू एट 12 इन द मिड नाइट, नोबडी हैज़ द बिजनेस टू डू दैट, दैट इज़ रॉन्ग। और दूसरी बात, अगर ये ऐसा हुआ है तो देखिए, बहुत लोग अर्नब की हंसी उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं झूठ है झूठ है, लेकिन हमें ये भी देखना है, स्पेयर अ थॉट फॉर अर्नब्स वाइफ एज वेल। इट्स बीइंग सजेस्टेड दैट ही वाज अकम्पनीड विद हिज वाइफ, तो उनकी वाइफ भी डर गई होंगी। आप लोग देखिए, अगर एक तरफ एक मदर और एक लेडी सोनिया गांधी जी को आप लोग डिफेंड करते हो, अर्नब की निंदा करते हैं, तो आपको ये भी देखना है कि अर्नब गोस्वामी की भी वहाँ पे वाइफ है। सो लेट्स नॉट सेट डबल स्टैंडर्ड्स। और उनकी वाइफ और वो अगर गाड़ी में है और 2 यूथ रात के 12 बजे आके उनको रोकते हैं और ऐसी हरकत होती है, तो हाउ मच स्कैर्ड शी वुड हैव गॉट, यू हैव टू ऑल्सो कंसिडर दैट। डोंट बी अ हिपोक्रेट, ओके। आई डोंट लाइक अर्नब गोस्वामी, इफ आई मीट हिम आई पर्सनली बॉक्स हिज लाइट्स आउट, बट थिंक अबाउट इट दैट दिस इवेंट 12:30 बजे रात का जो हुआ, एलिगेशन है कि हुआ, और अगर वाकई हुआ और इस किस्म की हरकत हुई तो उनकी वाइफ के बारे में भी एक बार आप लोग सोचिए, क्योंकि आपको ये गलत है कि यू वांट टू बीट हिम अप फॉर डिफेंडिंग एंड फाइटिंग फॉर सोनिया गांधी जी, बट यू वांट टू फॉरगेट अबाउट द फैक्ट दैट रात में 12:30 बजे कैसी बीती होगी अर्णब गोस्वामी की बीवी पे. तो स्पेयर अ थॉट फॉर हर, इट्स नॉट राइट. ये जो हुआ है ये गलत है, इसकी मैं निंदा करता हूँ. यहाँ ही पे देखिए हम लोगों को एक होता है पॉलिटिक्स ऑफ हेटरेड, एक होता है पॉलिटिक्स फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स. हम दोनों नहीं. ये जो हुआ है ये गलत है, इसकी मैं निंदा करता हूँ. यहाँ ही पे देखिए हम लोगों को एक होता है पॉलिटिक्स ऑफ हेटरेड, एक होता है पॉलिटिक्स फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स. हम दोनों नहीं करते हैं, हम समाज सेवक हैं. मैं ना कांग्रेस की आईटी टीम से हूँ, ना भाजपा की आईटीसी टीम से हूँ, ना आपकी आईटी टीम से हूँ. मैं समाज सेवक हूँ, मैं इंडिया की आईटी टीम से हूँ, ठीक है. और इंडिया की आईटी टीम कहती है जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है. अर्णब गलत करेंगे, उनको 2 जूते मारिए, लेकिन एट द सेम टाइम ये जो हरकत हुई है अगर हुई है वाकई तो गलत है. And spare a thought for Arnab's wife. She must have been scared. She must have been scared. और क्या पता ये यूथ कोई पागल हो, कल वो गोली मार देता तो, हाँ, या और कोई ऊंच नीच हो जाती तो इसकी आप में से जो भी अर्णब की हेटरेट के कारण और अर्णब को हेट करने के कारण इस पूरे इंसिडेंट का मजा ले रहे हैं और कह रहे हैं बड़ा अच्छा हुआ, मेरे ख्याल से ये सही नहीं है बात कहना, ये कोई ठीक बात नहीं है. अच्छा, तो ये मैं कहना चाहता हूँ, ये ठीक बात नहीं है. स्पेयर अ थॉट फॉर हिज वाइफ, ओके, शी मस्ट बीन स्कैर्ड एंड दिस इज़ नॉट राइट. अगर आप लोग विमेंस राइट की बात करते हैं तो यहाँ अर्णब की वाइफ की राइट के बारे में भी आपको बात करना है. अर्णब डिजर्व करता है 2 जूते, लेकिन स्पेयर अ थॉट फॉर हिज वाइफ, शी वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व हियर. हाउ मच स्कैर्ड शी वुड हैव गॉट, थिंक अबाउट इट, एंड दैट्स नॉट राइट व्हाट हैज हैपेंड, एंड दिस काइंड ऑफ इंसिडेंट शुड नॉट हैपन एट ऑल इन माई ओपिनियन. लॉलेसनेस नहीं होनी चाहिए. अर्णब ने जो किया गलत किया, FIR फाइल हो, सिविल सूट्स इनके खिलाफ फाइल हो, लेकिन ये जो है कि ये इनको आधी रात में रोकना और इस किस्म की हरकत होना, ये गलत है. और इसकी जो भी प्रशंसक लोग हैं, लोग जो खुश हो रहे हैं, आई एम सॉरी, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए. अब मैं अगली बात पे आता हूँ. लेट मी मूव टू द फाइनल एंड द लास्ट टॉपिक. द फाइनल एंड द लास्ट टॉपिक इज़ इसी इशू को लेकर के कि अब कहा जा रहा है कि वो अर्णब ने टेप निकाला, ये शायद प्री ऑर्केस्ट्रेटेड था, पहले रिकॉर्डिंग की हुई थी, एक व्हाट्सएप पे चल रहा है. तो देखिए ऐसा है, मैं ये नहीं मानता हूँ बात, और ना मैं ऑथेंटिकेट कर सकता हूँ कि वो क्या उसमें सच्चाई है. And bottom line is he was there, his wife was there, all the security guards were there, केस भी फाइल हो गया है वो 2 मिसक्रिएंट्स के खिलाफ. तो उस पर मैं ज़्यादा और नहीं कहना चाहूँगा, उसके अलावा कि लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स. एंड फाइनल बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अर्णब के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या कि 2 मिसक्रिएंट्स कांग्रेस यूथ के आ गए, अर्णब को आधी रात में डराने और ऐसी हरकत करी, तो नाउ फॉर अर्णब टू से सोनिया गांधी ने इनको भेजा, कांग्रेस वालों ने भेजा, प्रियंका गांधी ने भेजा, इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस. ही इज गॉन कुकू. आई मीन दिस इज नॉनसेंस, एब्सोल्युटली नॉनसेंस. अरे भाई, 2 कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, 2 कार्यकर्ता जाके आपको धमकाते हैं, कार्यकर्ता कांग्रेस के छोड़ो, कोई उठ के जाता है जो आपसे चिढ़ा हुआ है, क्योंकि आपसे पूरा देश जो है, देश के जितने करेक्ट थिंकिंग लोग हैं, दे डोंट लाइक यू वेरी मच. यू आर वेरी वेरी अनपॉपुलर अर्णब, दे डोंट लाइक यू वेरी मच. बारिंग दी अनबक्स, नो वन लाइक्स यू, and the unbucks are just 20 crore odd people. Rest of 85 crore odd or 90 crore odd or 95 crore odd people, or rather 110 crore odd people don't like you, Arnab. You need to know this. So every time that Arnab says mere saath Bharat hai, I am sorry Arnab, they don't like you very much. Barring the unbucks, no one likes you, and the unbucks are just 20 crore odd people. Rest of 85 crore odd or 90 crore odd or 95 crore odd people, or rather 110 crore odd people don't like you, Arnab. You need to know this. So every time that Arnab says मेरे साथ भारत है, I am sorry, तुम्हारे साथ अंधभक्त है, भारत नहीं है. भारत 110 करोड़ और लोग हैं जो तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तुम बदतमीज़ आदमी हो. And you have taken mainstream media to a new low. So no one likes you very much. Now to allege that this matter, this was done by Sonia Gandhi ji on her behest, what nonsense. That lady is in her late 70s. You think she has the time कि रात में 12 बजे किसी को भेज के कि अर्नब को लेसन सिखा के? Are you mad? I mean, you're thinking like a 4-year-old. तुम्हारा दिमाग नहीं है क्या अर्नब गोस्वामी? Who does this? अरे ये कांग्रेस के कोई कार्यकर्ता हो या कोई भी ये यंगस्टर्स यूथ हो, ये नाराज हो गए होंगे, इन्होंने कहा होगा हीरो बनने का मौका है, जाके इसको डरा धमका देते हैं, हाँ शायद हमें कोई खुश हो जाएगा, क्योंकि आजकल तो आपको पता ही है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जूता चला देता है उसको टिकट मिल जाता है पार्टी का, जो इंक फेंक देता है किसी पे उसको अगले दिन पार्टी टिकट दे देती है। तो आजकल के ये जो सोशल मीडिया में के चक्कर में बहुत सा हिंदुस्तान का यूथ है जो सोचता है इस तरीके की हरकत करो लाइमलाइट में आ जाएंगे, ज़्यादा क्या होगा, थोड़ा सा 4 डंडे पुलिस के पड़ेंगे, एक FIR होगी, लेकिन हमको कल विधानसभा का टिकट मिल जाएगा, हम बड़े आदमी हो जाएंगे, कुछ नहीं तो बिग बॉस में हमें एंट्री मिल जाएगी। तो इस किस्म, और वैसे ही हिंदुस्तान का यूथ, बिकॉज पिछले 6 साल से भाजपा ने बेड़ा गर्क कर दिया है देश की इकोनॉमी का, तो जो भारत का यूथ है वो जॉबलेस तो वैसे ही बैठा है, चाहे कांग्रेस के लोग हों, IT सेल वाले, चाहे अंधभक्त हों भाजपा वाले, जॉब तो किसी के पास है नहीं, काम किसी के पास है नहीं, पैसे किसी के पास है नहीं, तो ये सब खाली वेल्ले बैठे हुए हैं। तो ये सब सोचते हैं कि कब हमें मौका मिले, हम इंक फेंक दें, हम जाके डरा दें, 2 डंडे पुलिस के खा लेंगे, थोड़ा जेल होगा, लेकिन बिग बॉस की एंट्री मिल जाएगी, और कल ये आम आदमी पार्टी या कांग्रेस या भाजपा हमें टिकट दे देगी, और ये तो आम बातें हैं। सो दिस इज द न्यू लो दैट इंडिया हैज हिट एंड दिस इज ऑल्सो अ फैक्ट। तो ये वैसे ही कोई यूथ होंगे जो हीरो बनना चाहते होंगे। नाउ टू से कि ये इनको भेजा सोनिया गांधी ने, मतलब तुम पागल हो गए हो, ऐसा हु कुड थिंक लाइक दिस। आई थिंक एक 5 साल का बच्चा भी आपको बता देगा कि इस आपके पूरे एलिगेशन में कोई सब्सटेंस ही नहीं है, इट्स अ फ्रिवलस स्टूपिड एलिगेशन। यू थिंक सोनिया गांधी जी हैज द टाइम फॉर योर नॉनसेंस। एंड फाइनली आई वुड जस्ट लाइक टू से दिस बिफोर आई एंड दिस लाइफ, सोनिया गांधी जी भारत में 1968 में आ गई शादी करके राजीव गांधी से। 1968 वॉज 78, 88, 98, 2008, 2018, हम लोग 2020 में 52 साल से वो इंडिया में रह रही है, और 1980s में उन्होंने इंडिया की सिटीजनशिप भी फुल ले ली, तो 40 साल से वो सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, ठीक है। 52 साल से वो इंडिया में रह रही हैं, ओके। नाउ टू कीप ब्रिंगिंग हर इटालियन पास्ट, अरे शी इज प्राउड ऑफ हर इटालियन पास्ट, इटली से आई हैं तो क्या कोई गुनाह कर दिया उन्होंने? तुम कौन होते हो बे इस किस्म का फालतू सवाल पूछने के लिए अर्नब गोस्वामी? हाँ, शी इज फ्रॉम इटली, तो हाउ डज दैट मेक हर रॉन्ग? शी इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, प्राउड सिटीजन ऑफ इंडिया, वाइफ ऑफ लेट राजीव गांधी जी, डॉटर इन लॉ ऑफ लेट इंदिरा गांधी जी, कांग्रेस प्रेसिडेंट, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इन्फ्लुएंशियल लेडीज इन द वर्ल्ड। Who the hell are you, Arnab Goswami? You were not even born when she came to India, and she's been living in India since then. And to keep calling her Italian. What Italian? जो lady 52 साल से हिंदुस्तान में है by choice, जो इंडिया की सिटीजन है पिछले 40 साल से, तुम कौन होते हो उनको दिन भर उनका इटालियन ओरिजिन खोदते हो? जैसे कि इटली से हो गई तो कोई गुनाह हो गया? इटली से होना कोई गुनाह है क्या बे अर्नब गोस्वामी? इटली से होना कोई गुनाह है? यू कीप डूइंग दिस। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लुक, व्हेन सुब्रमण्यम स्वामी अटैक्स सोनिया गांधी और गांधी फैमिली, ही अटैक्स देम पर्सनली। लाइक इफ आई से समथिंग टू समबडी, आई एम पर्सनली अटैकिंग। आई एम नॉट एन एंकर और अ चैनल हेड और रनिंग अ नेशनल टेलीविजन शो, but the moment I am running a national television show, the moment I am a channel anchor, channel head, then the responsibilities that I have are far greater, and then I cannot just openly be doing this kind of nonsense that you are doing, Arnab Goswami. And that's where you are wrong, and that's where the Gandhi family should file civil lawsuits against you and make you sell your kidneys and your blood to pay for the lawsuit. इसी के साथ इस लाइफ को मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग सहमत हैं मेरी बात से, आपको पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। बुज़दिल हैं तो शेयर ना करिएगा ज़रूर। अगर आपको डर लगता है कि शेयर करने से कोई आपको दिक्कत आती है तो ज़रूर, और अगर बुज़दिल नहीं हैं और आपको लगता है मैंने वाजिब बात की है तो शेयर करिएगा। स्पीक अप, आवाज़ उठाओ, बी काउंटेड। सही को सही कहना शुरू करिए, गलत को गलत कहना शुरू करिए। डोंट बी अ हिपोक्रेट। फाइट फॉर ऑल वेमेन्स राइट, नॉट जस्ट सोनिया गांधी इज़ राइट बट ऑल्सो फॉर अर्नब गोस्वामी इज़ वाइफ राइट एज वेल। एंड जैसे मैंने कहा, पर्सनली अगर मेरे को अर्नब गोस्वामी कल मिल जाते हैं कहीं तो आफ्टर गिविंग हिम फेयर वार्निंग आई वुड बस्ट हिज लाइट्स आउट एब्सोल्युटली, बिकॉज आई डोंट लाइक हिम वेरी मच। तो इसी के साथ इस लाइफ को समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जय हिंद और जय भारत दोस्तों।